व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रेश। फाइनली फाइनल ट्रेलर आ चुका है आदि पुरुष मूवी का, तो आज हम वो देखने वाले हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाले हैं। आपको कैसा लगा वो जरूर आप यस क्या बताना। ओ भाई साहब, मुझे लगा तू कर देगा पूरा वर्ड। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। भिक्षाम देहि ये पिछले में नहीं था ना, इस तरीके में ये भी नहीं था पिछले तो इविल तरीके से दिखाया। रावण, आ रहा हूं न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, आ रहा हूं अपनी जान की को ले जाने, आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। ये इंटेंस लगा ट्रेलर। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। अब मेरे साथ चलिए माँ। उनकी चौखट से ले आया था मुझे वो। जानकी उस चौखट पर वापस तभी आएगी जब राघव लेने आएंगे, और वो आएंगे। इक्ष्वाकु वंशज राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र काटने के लिए विवश हो। एक दशानन 10 राघव पर भारी है। पाप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत सच की ही होती है। जो जो पिछला ट्रेलर आया था उसमें, और इसमें बात करो तो कुछ कुछ चीजें नहीं देखने को मिली। जैसे जब रावण आता है सीता मैया को उठाने वहां से, तो जो VFX देखने को मिले वहां पर, जिस तरीके से हवा में मुंह थे, और मुझे अभी भी थोड़ा सा लगा कि रावण ने दिखाया वो एडिट स्मार्टली किया है, वो चीज ठीक है, लेकिन अब इंटेंस लगा ये वाला ट्रेलर, थोड़ा इंटेंस लगा। हाँ। जब वो जैसे होता है ना, जब वो सीता मैया को उठा के ले जाता है लेके ऐसे ना, उसके बाद जब पूरा फाइटिंग सीन आता है इंटेंस। हाँ। और थोड़ा सा मुझे बहुत इंप्रूवमेंट लगा, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अमेजिंग था नो डाउट। और मूवी, टू बी फ्रैंक, इस मूवी ये जो मूवी है ना, ये एक हर एक भारतीय के, हर एक इंडियन के वो एक इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। तो स्टोरी लाइन तो सबको पता है, लेकिन ये बड़े पर्दे में देखने में बहुत ही मजा आएगा, बहुत अच्छी लगेगी। और ये ना आपके कल्चर से भी जुड़ी रहती हैं चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी इसमें। और VFX मुझे लगता है कि इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल ह्यूमन टच नहीं, थोड़ा सा इसको एनिमे टच, थोड़ा सा VFX वाइज उस तरीके से। मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारे कई मतलब जो बच्चे भी हैं, शायद मैं मुझे नहीं लगता कि हर बच्चे को रामायण की पूरी स्टोरी पता है, उसने वो वाली देखी होगी। थोड़ा क्या होता है ऐसे, उसमें बच्चे और ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और मुझे अब एक चीज ये लगी कि जैसे अब हमने एक ट्रेलर में, टीजर में, और अब जैसे प्रभास को इस गेटअप में देखा है, तो अब कहीं ना कहीं राम जी के कैरेक्टर में अब सूट, वो कहीं वो कहते ना कि जब आप एक ही चीज को देख लेते हो दो तीन बार, तो वो चीज अब वो सूट कर रहे हैं। पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है, साथ ही साथ जो वाइब्स आ रही है मेरे को अच्छी लग रही है, है ना। और थोड़ा सा एक एनिमेशन वाला, जो एनिमेशन कह लो या फिर VFX जिस तरीके से, अच्छा लग रहा है। और बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को लगता है मूवी रिकॉर्ड तो तोड़ेगी, बहुत रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, और क्योंकि लोगों के दिल से जुड़े दिल से जुड़े और हम भी जाएंगे देखने, तो हम उसका ब्लॉग भी लेके आएंगे आप लोग के लिए। तो बाकी आपको कैसा लगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट करके बताना। एंड ये मूवी करेगी बहुत अच्छा, करे बॉक्स ऑफिस, ये तो मुझे लग रहा है। लेकिन अगेन वो रामायण वाला, वो रावण वाला, रावण वाला वो लुक नहीं दिखाया, अब वो सीधा मुझे लगता है सिनेमा हॉल में देखो। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, मिलते हैं।